मैं रोली यादव ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक्चुअली बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक्चुअली बेसिक केमिस्ट्री वो होता है जो हमारे डेली के रूटीन यानी हमारे दिनचर्या से जुड़ा हो। मतलब बेसिक केमिस्ट्री वो होता है जो हमारी दिनचर्या से जुड़ा हो और जिसका हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आना जाना यानी सिचुएशन आती जाती हो, उसको हम लोग कहेंगे एक तरफ से बेसिक केमिस्ट्री के पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? पदार्थ की करते हैं। किसकी करते हैं? पदार्थ की करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। किसकी बात करते हैं? पदार्थ की करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। किसकी बात करते हैं? पदार्थ की करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। एक्चुअली अगर हम समझें कि पदार्थ यानी हर वो वस्तु जो स्थान घेरे जिसका भार हो, हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका क्या हो, भार हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं भार यानी एक तरफ से उसका द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इस संसार में हर वो वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वह स्थान को भी घेरती है और द्रव्यमान भी उसका होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। यानी स्पेस ऑक्युपाइड और मास होना एक सब्सटेंस में बहुत ज़रूरी है। स्पेस ऑक्युपाइड और मास का होना एक सब्सटेंस में बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग पेड़ पौधे जीव जंतु और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उसके एग्जांपल में, पेड़ पौधे जीव जंतु। अब हम ये समझेंगे कि इसको हम लोग पदार्थ को क्लासिफाइड किस बेस पे करते हैं। एक्चुअली इसको मैंने प्रारंभिक विज्ञान के पॉइंट से सेटअप किया है इसके कंटेंट को, तो जो इसका एक तरफ से क्लासिफिकेशन है पदार्थ का, इसका जो है पदार्थ का वर्गीकरण है, मैंने सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो मेनली क्या होता है? तीन तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। पहला आपका ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया, तीसरा गैस हो गया। उसके बाद जो मिश्रण होता है, मिश्रण यहाँ हम किसकी बात करें? मिश्रण की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? मिश्रण की बात कर रहे हैं यानी मिक्सचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर की बात कर रहे हैं। यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध यानी प्योर, अशुद्ध यानी इम्प्योर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध यानी प्योर और अशुद्ध यानी इम्प्योर की बात कर रहे हैं। शुद्ध में हम किसको किसको क्लासिफाइड कर सकते हैं? शुद्ध में हम एलिमेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं, एलिमेंट यानी तत्व को क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उसके बाद कंपाउंड यानी यौगिक को, तत्व जैसे सल्फर क्या है? एक प्योर तत्व है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम Na को और Cl को, मैंने सोडियम को और क्लोराइड को दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो एक आपका कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे NaCl इसका एग्जाम्पल हो गया। यह क्या है? NaCl क्या है? एक प्रकार का क्या है? कंपाउंड है। यह क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है। आप इसे कह सकते हैं कि यह क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है। एक प्रकार का क्या है? यह यौगिक है। यह एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। यह एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, और जो ये यौगिक है यह भी प्योर है। यह भी प्योर है यानी इसमें जो सोडियम की मात्रा है, जो क्लोराइड की मात्रा है, दोनों प्योर है, दोनों का एक रेशियो है जिसके मिलने से यौगिक बनता है। तो यौगिक भी कहीं ना कहीं प्योर है। और आपका यह तत्व की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो यह भी कहीं ना कहीं क्या है? प्योर है। ठीक है, अब हम इम्प्योर की बात करते हैं यानी अशुद्ध की बात करते हैं। अशुद्ध में क्या होता है? मतलब कि
यहाँ पे अशुद्ध की अगर हम बात करें, माने अशुद्ध एक तरफ से हम लोग जब कभी अशुद्ध की बात आए, इम्प्योर की बात आए, तुरंत समझ जाइए मिश्रण। ऐसे नॉर्मली लोग टंग लैंग्वेज में कहते हैं ना कि मिला गुला है क्या, मिला गुला है क्या, माने एक तरफ से अशुद्ध। ऐसे दूध ले रहे हैं तो नहीं होता है कि इसकी मिश्रण है, कहीं ना कहीं पानी का मिश्रण होता है। तो अशुद्ध यानी इम्प्योर यह एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो मेनली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला तो आपका क्या हो गया, होमोजीनस हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। होमो, जब कभी शब्द आए होमोजीनस, क्या आए, होमोजीनस आए, क्या आए, होमोजीनस आए, होमोजीनस आए, तुरंत समझ जाइए कि यहाँ सिमेट्रिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिमेट्रिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिमेट्रिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिमेट्रिकल की बात हो रही है। यानी ये जो आपका सिमेट्रिकल होमोजीनस है, यानी यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे मिश्रण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिश्रण की बात हो रही है। तो मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी होता है, दूसरा क्या होता है, विषमांगी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, समांगी को क्या कहेंगे, होमोजीनस कहेंगे। जब यहाँ आपका होमोजीनस आए, इसका मतलब ये होता है कि यह क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। इसका जो भी रेशियो होगा, माने यह जो इसका एग्जांपल में अगर हम लें समांगी का, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, यानी विलयन लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, दूध और पानी का मिश्रण, इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, दूध और पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण लेते हैं, दूध और पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। ये कैसा मिश्रण हुआ, दूध और पानी का मिश्रण। यह जो है दूध और पानी का जो मिश्रण होता है, यह होमोजीनस हुआ। कौन सा क्या हुआ, ये होमोजीनस हुआ। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिश्रण की, बात करते हैं हेट्रोजीनस मिश्रण की। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिश्रण की, हम बात करें तो हेट्रोजीनस का मतलब ही होता है विषमांगी। क्या मतलब होता है, विषमांगी, यानी इसमें जो दो मिश्रण हम मिलाएंगे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए एक इसका एग्जांपल हमने क्या दिया है, कोलाइड दिया है। क्या दिया है, कोलाइड दिया है। कोलाइड का सेंस जैसे मैंने, जैसे क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक तरफ से आप कहिए तो कोलाइड क्या है, कोलाइड है, और इसका प्राकृतिक कोलाइड है, और इसका पीएच 7.4 है, कहीं ना कहीं क्षार है, ठीक है। तो कोलाइड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या फिर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जिसको हम इजीली छान ना सकें। अगर हम छन्नी से उसको छानना चाहें तो उसको इजीली नहीं छान सकते, उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं छन नहीं पाते, वो रह जाते हैं, तो वह क्या होंगे, कोलाइड होगा। एक तरफ से आप यह भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ पोर्शन जो होते हैं हार्ड होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो है अवस्थाएं, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। अच्छा एक चीज़ ये समझिएगा कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। भौतिक अवस्थाओं का सेंस क्या होता है कि जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख सकें वो भौतिक अवस्था हो गई, ठीक है। जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख सकें वो भौतिक अवस्था हो गई, ठीक है। ऐसी क्रिया या ऐसा प्रोसेस जो मैं अपनी नेक्ड आई से देख सकती हूँ, उसे क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था कहेंगे, ठीक। सबसे पहला सिम्टम है भौतिक अवस्था का। अब हम बात किसकी करते हैं, ठोस की बात करते हैं। किसकी करते हैं, ठोस की बात करते हैं, कि
ठोस की भौतिक अवस्था कैसी होगी? क्या मैंने पूछा कि ठोस की भौतिक अवस्था कैसे होगी? इसका सीधा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इनका जो वॉल्यूम होता है माने इनका जो आयतन होता है वो, और इनका आकार यानी इनका शेप, मैं समझ में आ रही है, यानी इनका आयतन और इनका आकार, यह दोनों जो होता है निश्चिंत होता है। किसका निश्चिंत होता है? ठोस का, जो हम देख सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ठोस होता है इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, माने आकार यानी सॉलिड का आकार निश्चित होता है। जैसे एक लकड़ी का गुटखा है, मतलब एक, यह पेन ही है, ये देखिए पेन है, ये सॉलिड है, कहीं ना कहीं इसका शेप क्या है, निश्चित है ना, निश्चित, और इसका घनत्व भी निश्चित है, घनत्व यानी वॉल्यूम, घनत्व यानी वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हम लोग मैथ में क्या पढ़ते थे, आयतन बराबर, मैथ में आयतन बराबर क्या पढ़ते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पढ़ते थे ना, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें ठोस के, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, माने आयतन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है इस पेन की जो आयतन है वह निश्चिंत है, और क्योंकि ये सॉलिड है ठोस है, और इसके साथ साथ इस पेन का जो है आकार भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि इस पेन को हम लोग किसी बर्तन में रखेंगे तो इसका आकार बर्तन के अनुसार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे बड़े सिलेंडर में भरेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसका आकार निश्चिंत है, इसका क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन निश्चिंत है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सॉलिड को संपीड़ित नहीं कर सकते, इसको क्या नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़ित का मतलब होता है इसको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, आप ये समझ में होता है कंप्रेस्ड क्या होता है, जैसे कोई छोटा सा सिलेंडर है उस सिलेंडर में हम गैस को भर रहे हैं, ठीक है, गैस को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैस को तो उसमें भर सकते हैं ना, भर सकते हैं ना, और अगर हम सूटकेस में कपड़े को भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आध कपड़ा हम लोग दबा के सूटकेस बंद कर लेते हैं, कर लेते हैं ना, उसका आकार चेंज कर लेते हैं ना, बट जो एक्चुअल में सॉलिड है, मैंने क्या बोला कि जो एक्चुअल में सॉलिड है उन्हें क्या किया जा सकता है, उन्हें कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। संपीड़ित यानी अगर उन्हें हाई प्रेशर पर ले जा करके हम छोटे सिलेंडर में नहीं भर सकते, बात समझ में आई, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, आकार और आयतन दोनों सॉलिड का क्या होता है, निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि सॉलिड को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी उन्हें कंप्रेस्ड हाई प्रेशर पर ले जा करके छोटे सिलेंडर में भर नहीं सकते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब अगले पॉइंट की हम बात करें, अगले पॉइंट की हम बात करें, ठोस को जिस भी कंटेनर या बर्तन में हम लोग रखते हैं वह पूरी तरह क्या हो सकता है, वह पूर्ण रूप से उसमें नहीं भराता है, डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली, मैंने यहाँ पे बोला डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली, यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
कि ठोस को जिस भी कंटेनर यानी जिस भी बर्तन में हम लोग रखते हैं वह पूर्ण रूप से भरते नहीं है। जैसे यह त्रिभुजाकार है, अगर हम इस आकार की कोई क्या लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, है ना, इस आकार की अगर कोई लकड़ी लेते हैं या कोई सिलेंडर ही लेते हैं, जिस अभी सिलेंडर को हम लोग कहीं रखें तो क्या वो पूरा से अगर एक अपने डेली की रूटीन से ले लीजिए कि जैसे सिलेंडर को हम भरवाने के लिए ले जाते हैं तो उसको बोरे वगैरह में भरना चाहते हैं तो क्या सिलेंडर उस पूरे बोरे का पोर्शन फिलअप कर देता है कम्प्लीटली, उस बोरा जो है पूरा सिलेंडर उसमें भर जाता है, ऐसा तो नहीं है। सिलेंडर के आसपास यानी बोरे के किनारे किनारे उसमें प्लेस खाली रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है। या अभी मैं इसे किसी बास्केट में या फिर कहीं रखूं किसी भी, तो क्या ये पूरा प्लेस कवर करेगा, नहीं करेगा ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ठोस जो होता है उसको जिस भी कंटेनर या बर्तन में हम रखेंगे वह पूरा क्या करता है, वह पूरा कंप्लीटली क्या करता है, भर नहीं सकता है। ठीक है, वह पूरा कंप्लीटली क्या कर सकता है, भर नहीं सकता है। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी यानी हम अब बात किसकी करेंगे, घनत्व की करेंगे, किसकी करेंगे, घनत्व की करेंगे, किसकी करेंगे, घनत्व की करेंगे। यानी हाई डेंसिटी माने सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है। बात समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर लिक्विड की हम बात करें, किसकी बात करें, लिक्विड की बात करें, अभी तक तो हम लोग ठोस की बात कर रहे थे। ठोस में देखिए क्या क्या मैंने बताया कि इसका घनत्व उच्च होता है, इसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते, और थर्ड पॉइंट क्या मैंने बताया इसमें कि इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम और इसका जो आकार होता है दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। इनका आकार भी फिक्स है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स है, और इसे आप किसी सिलेंडर में प्रेशर्स हाई प्रेशर से वो नहीं कर सकते, और अगर आप इसे किसी बर्तन में रखेंगे तो वह बर्तन कम्प्लीटली इससे भराएगा नहीं, कुछ ना कुछ आसपास प्लेस खाली रहेंगे। ठीक है, और घनत्व तो हाई रहेगा, ये तो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं तरल की यानी लिक्विड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड यानी तरल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो क्या तरल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तरल के अंदर कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। जब कभी कोई आपसे पूछे कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, कंप्रेसिबिलिटी यानी किसी को दबाना, किसी भी वस्तु को हाई प्रेशर से किसी भी चीज़ में क्या हो रहा है, दबा के रखना, जैसे सूटकेस में कपड़े को दबा के रखना, एक दो कपड़े एक्स्ट्रा हम लोग दबा के चाहते हैं तो रख लेते हैं ना, तो यानी किसी को दबाना, जैसे सूटकेस में कपड़ा दबा के रखना, तो तरल के अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी यानी संपीड़ित वाला गुण किस में नहीं होता है, संपीड़ित का गुण किस में नहीं होता है, तरल में भी नहीं होता है। बात समझ में आई, तरल में भी नहीं होता है। और उसके बाद इसका जो आकार और आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है, पॉइंट याद रखिएगा, इसका पॉइंट याद रखिएगा जो है इसका पॉइंट याद रखिएगा इसका जो आयतन होता है वह क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आयतन फिक्स्ड होता है, आयतन निश्चित होता है। कैसे कहोगे आयतन निश्चित होता है,
कैसे कहोगे कि आयतन निश्चिंत होता है, 1 लीटर पानी है तो कहीं ना कहीं आयतन निश्चिंत है कि नहीं है? 1 लीटर है ना, उसका आयतन निश्चिंत हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट, बट उसका शेप इज नॉट फिक्स्ड, माने उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। माइंड में सेट कर लीजिए कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चिंत होता है, लेकिन जो हमारा द्रव होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, तरल होता है, उसका आयतन तो निश्चिंत होता है लेकिन आकार निश्चिंत नहीं होता है। आप ये कैसे कहेंगे कि आकार निश्चिंत नहीं होता है? देखिए, आकार इसलिए निश्चिंत नहीं होता है कि जैसे मैंने पानी को लिया, अब उस पानी को मैंने इस बोतल में भर दिया, तो इस बोतल के आकार का पानी इसमें भर आ गया। बोतल के आकार का मतलब, यहाँ यहाँ प्लेस ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा पानी हुआ, यहाँ प्लेस कम है तो यहाँ कम पानी हुआ, यहाँ जा कहीं ना कहीं बर्तन के अनुसार लिक्विड ने अपने आकार को बना लिया। अभी उसी पानी को हम ग्लास में रखें, वह ग्लास के अनुसार हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बर्तन के अनुसार, यानी शेप जो है उसका फिक्स नहीं है, जैसे जैसे बर्तन चेंज करेंगे वैसा वैसा उसका शेप होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयतन क्या होगा, आपका फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। सेकंड पॉइंट, आकार क्या होगा, इज नॉट फिक्स, आपका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है, अधिक संपीड़ित नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, माने बहुत ज़्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? कैसे नहीं कर सकते हैं, पॉइंट कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में कि संपीड़ित कर सकते हैं, उसमें अगर ऑप्शन में गैस न दिया हो, डायरेक्टली आपके दे दिया हो ठोस द्रव दोनों, दोनों में से कोई नहीं, तो कुछ कहीं कहीं एक्सेप्शन के केस में जो है आप कह सकते हैं कि यह बर्तन या क्या कर सकता है, अधिक संपीड़ित नहीं कर सकता, यानी कुछ पॉइंट पर संपीड़ित करता है, ठीक है। ये बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते, कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। जैसे हम लोग ग्लास में पानी लेते हैं तो पूरा ऊपर तक क्या हो सकता है, नहीं भर सकते हैं। यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते, कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। आप यहाँ पे कह सकते हैं कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, यानी बर्तन को यह भी पूर्ण रूप से भर नहीं सकते। अब बात क्या आती है, तरल यानी लिक्विड का घनत्व जो है ठोस से कम होता है। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, यहाँ जो लिक्विड का घनत्व होता है, इसका जो घनत्व है वह जो है ठोस से कम होगा जबकि गैसों से अधिक होगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ठोस का होगा और लिक्विड का जो घनत्व है हमेशा ठोस से कम होगा, और जबकि लिक्विड का घनत्व ठोस से कम होगा और जबकि गैसों से अधिक होगा। बात समझ आई? अगला पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट यानी तरल गैस एवं ठोस के बीच की प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर हम लोग डेंसिटी के पॉइंट से बात करते हैं तो यह किसके बीच का पॉइंट दिखाता है, गैस और ठोस के बीच का है। हम गैस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, एक्चुअली गैस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, ठीक, किसकी बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, है ना। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि शेप और वॉल्यूम दोनों का क्या होता है, नॉट फिक्स्ड,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो ठोस था उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स था, बट इनका क्या है, फिक्स नहीं है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, और गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। मैंने बोला था कि सॉलिड को, माने ठोस को संपीड़ित आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, बट गैस को संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस्ड, माने गैस को आप लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। और सबसे हाई डेंसिटी ठोस की थी, उससे कम डेंसिटी लिक्विड की थी, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है, और यह बर्तन को पूर्ण रूप से भरता है। हमने बोला कि फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, कौन, गैस। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गैस ही ऐसा है जो पूर्ण रूप से बर्तन को भरता है। ठोस पूर्ण रूप से बर्तन को नहीं भर रहा था, लिक्विड पूर्ण रूप से बर्तन को नहीं भर रहा था, बट गैस जो होता है वह पूर्ण रूप से क्या करता है, बर्तन को भरता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गैस होती है यह बर्तन को पूर्ण रूप से भरता है। बस में आई, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के अलावा भी दो पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के अलावा भी, पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के अलावा भी दो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, यह मैंने दिया हुआ है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के अलावा और भी अवस्थाएं होती हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, और वह क्या क्या है। पहला प्लाज्मा हो गया, पहला क्या हो गया, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वह क्या होती है, प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है, और पदार्थ की चौथी जो अवस्था होती है उसको प्लाज्मा होती है, और इसका खोजकर्ता कौन है, विलियम क्रूक्स। कौन है, विलियम क्रूक्स हैं, कौन है, विलियम क्रूक्स हैं, कौन है, विलियम क्रूक हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वह क्या होती है, प्लाज्मा होती है, और इसकी खोज किसने किया, विलियम क्रूक ने किया। और उसके बाद हम बात करते, जब कभी प्लाज्मा की बात आ जाए तो तुरंत समझिएगा कि प्लाज्मा का सेंस यानी मैंने बोला कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो है डिस्कवरी इसके किसने किया, विलियम क्रूक ने किया। और उसके बाद इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री आयन होंगे। जब कभी प्लाज्मा की बात आ जाए और उसका जो है पूछ दे तो उसमें तुरंत दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री आयन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फ्री आयन माने मुक्त आयन, ठीक है। अब बात आ रही है कि जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होंगे, जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होंगे, है ना, वहां हमेशा, जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होंगे वहां प्रकाश, यानी प्रकाश के साथ साथ लाइट, प्रकाश यानी लाइट
हीट यानी उष्मा, बात समझ रहे हैं, वहाँ पे प्रकाश यानी लाइट, हीट यानी प्रकाश यानी लाइट, हीट यानी उष्मा, यह ज़्यादा जनरेट होगी। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा, मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा का खोज किसने किया, खोजकर्ता कौन है, विलियम क्रूक है। और इसकी सबसे, इसका सबसे फंडामेंटल करेक्टर क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त आयन होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, और जहाँ कहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन की बात आए तुरंत तो वहाँ समझ जाइए वहाँ पे किसका हम स्टडी करेंगे, प्रकाश का स्टडी करेंगे और उष्मा का स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश और उष्मा ही जनरेट करते हैं। बात समझ में आई? सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है, प्रकाश और उष्मा ही जनरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है, प्रकाश यानी लाइट और उष्मा यानी हीट, माने सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन प्रकाश से जनरेट होता है और किससे जनरेट होता है, लाइट से जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आयन किससे जनरेट होता है, प्रकाश से और लाइट से, ठीक। और अब हम प्लाज्मा के नेचुरल एग्जांपल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा के नेचुरल एग्जांपल की बात करेंगे, प्लाज्मा के प्राकृतिक जो है उदाहरण की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे सूरज, मैंने बोला सूरज, ठीक है, फिर मैंने बोला तारे, है ना। या जो सूरज होता है, आप नोटिस किए होंगे जो सनलाइट होती है, जब कभी हमारे घर के दीवार में मतलब कि होल वगैरह रहती है तो आप देखते हैं वहाँ से जब सनलाइट आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट में, मोशन में, है ना, छोटे छोटे जो पार्टिकल दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते हैं, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रकाश होती है, जो उष्मा होती है, सबसे ज़्यादा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन किस में होते हैं, प्रकाश में और उष्मा में। और अगर हम प्लाज्मा के नेचुरल एग्जांपल की बात करें तो वह क्या हुआ आपका, सूरज और तारे हुए। बात समझ में आई, क्या हुए, और सूरज और तारे हुए। अब उसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल एग्जांपल की बात करें कि प्लाज्मा का आर्टिफिशियल एग्जांपल बताइए, प्लाज्मा के अप्राकृतिक उदाहरण बताइए, कैसे उदाहरण बताइए, अप्राकृतिक उदाहरण बताइए, अप्राकृतिक उदाहरण यानी अब जैसे मान लीजिए जो मॉल वगैरह में ट्यूबलाइट होती हैं, ठीक है ना, वो एक हो गया, है ना, वो आप, और जो मरकरी वाली लाइट लगी होती है स्टेशन वगैरह पे और बस वाले मतलब रोडवेज वगैरह पे, तो वह सब क्या होती हैं, कहीं ना कहीं प्लाज्मा का आर्टिफिशियल एग्जांपल है। उनसे जो उष्मा निकलती है, उनसे जो प्रकाश निकलता है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री आयन होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब हम किसकी बात करेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट की बात करेंगे, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट की बात करेंगे, है ना। फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट क्या होती है, एक प्रकार से प्लाज्मा की अवस्था का गुण है। जब कभी बात आए फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का, तुरंत समझ जाए या पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का कहीं ना कहीं वह क्या है, गुण है, ठीक है। तो जैसे अब हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ मरकरी की बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ नियान या हेलियम की बात करते हैं, है ना, पारे की जो वाष्प का मिश्रण होता है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ मरकरी कह सकते हैं, है ना, पारे
की वाष्प का मिश्रण, और जो नियान और हीलियम होती है गैस, यहाँ पे उसकी हम लोग बात करते हैं, जो फ्लूरेसेंट ट्यूब लाइट है, या पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की ही अवस्था का गुण है। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस, इसका क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, 1920 में किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है उसका खोज किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया। कभी किया, 1920 में किया। और जो सत्येंद्रनाथ और वो बोस, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होती है, या पदार्थ की चौथी, सॉरी पदार्थ की पांचवी अवस्था, BEC करके कभी कभी शॉर्टकट में पूछ देता है कि पदार्थ की अवस्था है, माने बी माने बोस, ठीक है, ई यानी आइंस्टीन, सी यानी कंडेंसेट, खोजकर्ता सत्येंद्र बोस, कब, 1920। ओके, अब हम बात क्या करते हैं कि BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, यह ज़्यादातर इस्तेमाल किसके लिए होता है, या किसके लिए इस्तेमाल होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या इस्तेमाल किसके लिए होता है, यह जो है यह अवस्था गैसों के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है या जो अवस्था होती है किसके लिए इस्तेमाल होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो अवस्था होती है या किसके लिए इस्तेमाल होता है, गैसों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस ने। कब हुआ, 1920 में हुआ। और यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है, और यह यूज किसके लिए होता है, गैसों के लिए, क्योंकि गैसों का घनत्व जो होता है लो होता है, गैसों का घनत्व जो होता है लो होता है, ठीक है, कम होता है, यानी कम घनत्व वाले पदार्थ के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कम घनत्व वाले पदार्थ पर ही यह अवस्था काम करती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था का प्रयोग हमेशा गैसों के लिए करते हैं, और स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि इसका प्रयोग हमेशा उसके लिए करते हैं जिसका घनत्व हमेशा कम होता है। ठीक है, खोजकर्ता पूछ देता है अक्सर, कौन है इसके खोजकर्ता, सत्येंद्रनाथ बोस, कब, 1920 में। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सी अवस्था है पदार्थ की, ये पांचवी अवस्था है। सत्येंद्रनाथ बोस ने बोला, यदि आप ऐसे पदार्थ, मतलब सत्येंद्रनाथ का कहना था, जो साइंटिस्ट, उन्होंने कहा ऐसे पदार्थ आप ले आइए जो लो टेम्परेचर यानी निम्न स्तर यानी निम्न ताप पर ले जाओगे तो वह गैस या वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंच जाएगी, उस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो माने एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बोस ने यह बोला, माने एक तरफ से सत्येंद्रनाथ बोस ने बोला था कि यदि आप ऐसे पदार्थों का को माने जिनका घनत्व तो कम है, ठीक है, या जो लो टेम्परेचर यानी निम्न स्तर के ताप पर जिनको ले जाने पर गैस या वस्तु एक अवस्था से क्या हो, गैस या वस्तु एक अवस्था में पहुंच जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, उसी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कहेंगे। उसी अवस्था को क्या कहेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, फिर से सुन लीजिए। सत्येंद्रनाथ बोस ने बोला, यदि आप ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जिनका घनत्व तो क्या हो, लो हो, यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थों को, हाँ, जिनका घनत्व तो क्या हो, लो हो, यानी सुपर लो टेम्परेचर, यानी सुपर लो टेम्परेचर की बात मैं कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, सुपर लो टेम्परेचर पर
यानी निम्न स्तर के ताप पर ले जाओ तो वह गैस या वस्तु एक निम्न ताप माने सुपर लो टेम्परेचर पर यानी निम्न ताप पर ले जाओ वह वस्तु अपनी एक अवस्था में आ जाएगी। तो उसी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कहा गया है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की जो अवस्था होती है वह हमेशा लो डेंसिटी पर कार्य करती है और गैसों के लिए ही कार्य करती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि गैस का घनत्व तो क्या होता है, लो होता है। बात समझ में आई? तो एग्जांपल के तौर पे हम एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, बात करें हम 273.5 केल्विन या क्या है सुपर लो टेम्परेचर होता है। अगर 273.5 की बात करें, पूछता है कि सुपर लो टेम्परेचर है कि हाई लो टेम्परेचर है, तो जो बोस कंडेंसेशन वाली अवस्था है ये तो हमेशा लो पे काम करती है, सुपर लो टेम्परेचर पर ही काम करती है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि 273.5 केल्विन या जो है हमेशा सुपर लो टेम्परेचर होता है। यानी इस टेम्परेचर पे क्या होगा, यानी इस टेम्परेचर पर ले जाने पर गैस जो होती है, जब हम किसी भी गैस को, बात यहाँ पे समझिएगा, जब हम किसी भी गैस को लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे और वह लो टेम्परेचर पर ले जाने पर एक अपनी अवस्था में आ जाएगी, तो उस अवस्था को ही हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था कहेंगे। और यह लगभग -273.5 केल्विन पर ये गैस ये जो होती है कितनी होती है -273.5 केल्विन पर ये गैस होगी। यानी आप इसे कह सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में चली गई है। जब कोई भी गैस -273.5 की अवस्था में चली जाए, आप तुरंत समझ जाइए कि अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में चली गई, यानी उसका घनत्व तो बहुत लो है, ठीक है, सुपर। प्लाज्मा का जो अवस्था है, इस अवस्था का नामकरण किसने किया, प्लाज्मा की अवस्था का नामकरण इरविन ने किया। किसने किया? इरविन ने किया। खोज किसने किया? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया। प्लाज्मा के खोजकर्ता सत्येंद्रनाथ बोस, और उनका जो नामकरण किसने किया प्लाज्मा का, इरविन जी ने किया। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में अब बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि पदार्थ की जो अवस्था होगी उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट सब्सटेंस की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिमांक की बात करते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टेट सब्सटेंस की बात करेंगे, माने चेंज इन सब्सटेंस माने जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन की बात, पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन की बात आती है, चेंज इन स्टेट सब्सटेंस की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेंज इन स्टेट सब्सटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चेंज इन स्टेट सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक परिवर्तन की बात करते हैं, हिमांक बिंदु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
हिमांक बिंदु की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड यानी तरल की बात करेंगे, ठीक है। आप ये लिक्विड क्या है, लो टेम्परेचर पे हम लोग इसको निम्न तापमान पर ले जाते हैं, तो या किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, यानी ठोस में बदल जाएगा। तो सबसे पहली बात, तो लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, निम्न तापमान पर ले जाएंगे, तो या किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब कभी फ्रीजिंग की बात आए तो तुरंत समझ जाइएगा उसके हिमांक बिंदु की बात हो रही है। माने अगर हम पानी है लिक्विड फॉर्म में है, उसको बहुत निम्न ताप पे हम ले जाते हैं, वह क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, सब जानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यानी उबाल बिंदु, ठीक है ना, कि माने कितना ज़्यादा उस उच्च ताप पर ले जाए। फ्रीजिंग पॉइंट यानी निम्न ताप पर, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उच्च ताप पर। बॉइलिंग पॉइंट यानी उच्च ताप पर, ठीक है ना, उच्च ताप पर हम कितना ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, लिक्विड की यानी तरल। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई जो है टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप की ज़रूरत होगी, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघल रहा है किसने, टेम्परेचर पे। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर, एक ऐसा हाई टेम्परेचर होता है कि जिस पर जो है क्या करता है आपका, यह सॉलिड माने जो बर्फ है वह पिघल रही है, वह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तरल के रूप में बदल रही है, ठीक है ना। अब बात करेंगे सब्लिमेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्लिमेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वा पतन, इसकी हिंदी क्या होती है, ऊर्ध्वा पतन होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसके, सब्लिमेशन की बात करेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जैसे आपका सॉलिड है वह डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम लोग, सब्लिमेशन कहेंगे। जब कभी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो तो वह क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। वह क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। वह क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। आई बात समझ में। सब्लिमेशन जैसे अमोनियम क्लोराइड, यदि अमोनियम क्लोराइड को खुला छोड़ दें तो वह डायरेक्टली भाप बन के उड़ जाता है। अक्सर वेंड एग्जाम में पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो यह क्या होता है, भाप बन के, अमोनियम क्लोराइड, या क्या होता है, अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड को खुला छोड़ दें तो यह क्या होता है, यह भाप बनकर उड़ जाएगा। कपूर को जब हम जलाते हैं तो अभी क्या हो जाती है, जैसे ही कपूर को जलाया जाएगा सीधे, वह क्या जाती है, गैस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। और नेफ्थलीन बॉल्स माने जो नेफ्थलीन की गोली होती है, जिसको हम लोग कपड़े उपड़े में रखते हैं, यह भी क्या होता है कि इनका भी क्या काम है कि आप लोग देखेंगे नेफ्थलीन की गोली एक लंबे टाइम तक रखी जाती है, तो उसके बाद यह क्या हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, गैस बन के, अब जैसे एक पॉइंट आता है सूखी बर्फ का, ड्राई आइस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
ड्राई आइस की बात करते हैं, ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ की बात करते हैं, जैसे सॉलिड CO2, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड CO2 की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, सॉलिड CO2 के नाम से जाना जाता है, या इनको खुला छोड़ देने पर या उड़ जाते हैं, आप इनको भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक तरफ से आप इनको भी सब्लिमेशन कह सकते हैं। ऐसे सॉलिड आयोडीन की बात करें, यह भी क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बात समझ में आई। अब हम बात किसकी करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात। सबसे पहले होता है कि एलिमेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है ना कि एलिमेंट क्या होता है, एक मिनट,